रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं ज्ञान कुमार मौर्य। हमारे लेटेस्ट न्यूज को देखने के लिए डाउनलोड करें के मास न्यूज ऐप या टाइप करें www.kmasnews.com। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार, के मास न्यूज हर समय आपके साथ। भारतीय मार्केट न्यू पुल गुलामीपुर में, यहाँ पे जैसा कि देखा जा रहा है कि ग्राम विकास समिति के द्वारा यहाँ पर आज गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के रूप में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं और कुछ बच्चे हैं हमारे बीच में। हम जानना चाहेंगे कि आज यहाँ पर झंडारोहण का कार्यक्रम लोगों ने किया है, बड़ी खुशी देखने को मिल रही है। और यहाँ कुछ मुख्य अतिथि जी हैं, मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। हमारे बीच में साहब है जिनके नेतृत्व में झंडारोहण किया गया है, सबसे पहले मैं उनसे बात करना चाहूँगा। आइए ले चलते हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ सर, आपका नाम क्या है? तो ठीक है, तो आज डॉक्टर रामचंद्र जी, तो बताइए, तो आज यहाँ पर झंडारोहण का प्रोग्राम आपने किया है, बहुत अच्छा लगा है जी। तो आप इसके बारे में, झंडारोहण का प्रोग्राम करके यहाँ जो लोग एकत्रित हुए हैं, बच्चे खुश नजर आ रहे हैं और बच्चे जो है यहाँ पर एकजुट हुए हैं इनके बुलाने पर और लोग आए हैं इस झंडारोहण में शामिल हुए हैं, तो आप बच्चों को वरन हमारे भारत देश के लोगों निवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहली बात तो सर हम बताना चाहेंगे कि हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेतना समिति से जो है समाज में सेवा में कार्यरत हैं और यह 13/1/2009 में हमने रजिस्ट्रेशन कराए हैं और तब से समाज सेवा में कार्यरत हैं। और आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का पर्व है और बड़े ही धूमधाम के साथ जो कि हम अपने कार्यालय पर आज मनाए हैं और यहाँ पर बच्चे और समाज व्यक्ति जो हमारे पर यहाँ पर सब लोग उपस्थित हैं। और मैं यहाँ पर जो कि हमारे पूरे भारत देश में जो है कि आज ही बड़े हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस रूप में लोग मना रहे हैं और यहाँ पर उपस्थित सभी बच्चे और यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे नौजवान साथियों को सबको मैं हार्दिक वंदन करता हूँ। और देश के भविष्य के लिए जो कि हमारे बच्चे कर्णधार हैं और इस देश को बचाने के लिए जो कि हमारे लाखों जो कि देशभक्त कुर्बान हुए हैं और मैं चाहूँगा कि इस देश को जो कि बचाने के लिए जो कि आजकल के तमाम जो कि क्षेत्र में भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो मैं ज़्यादा कुछ न कर करके मैं इस सर के माध्यम से आप लोग को बताना चाहूँगा कि समाज में कैसे त्रुटियाँ हमें खत्म कर सकते हैं। जो कि कफन आए वतन साथियों, हल मिटा दो जुल्मों का जुल्म, आए वतन साथियों, आए वतन साथियों। तो जैसा कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो बच्चे के अंदर जो उमंग है और यहाँ जो साथी लोग उपस्थित हैं इनके लिए उमंग है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेतना समिति के संस्थापक एवं अध्यक्ष हैं, जिसके माध्यम से ये समाज के अंदर सेवा दे रहे हैं और आज उस सेवा के माध्यम से इन्होंने जो हमारे भारत देश में भारत देश के लोगों को, नौजवान साथियों को संदेश दे रहे हैं झंडारोहण करके और गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर लोगों को इन्होंने बधाइयां दी। तो आइए, हम यहाँ पर हमारे एक मुख्य अतिथि हैं, मैं उनसे मिलना चाहूँगा। हाँ साहब जी, आप धन्यवाद सर। असलम अंसारी नाम है सर। हाँ जी सर, जी सर आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है और मैं जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर लोगों को उपस्थित हुए क्या संदेश दें, आप जो भाईचारा है यहाँ पर देखने को मिल रही है बड़ी खुशी की बात है और आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर आज 15 अगस्त 26 जनवरी का जो एक प्रोग्राम होता है जी, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ और हम देश को यही संदेश देना चाहते हैं कि जो संविधान है उस संविधान पर हम चलें और दूसरों को चलाएं, इसी में हमारी भलाई है। क्योंकि संविधान, देश तो 15 अगस्त को आज़ाद हो गया था लेकिन 26 जनवरी तक जो संविधान बनाया गया वो इसलिए कि हम किस तरह से इस देश को चलाएंगे, हमारे छोटे बड़े जो दबे कुचले लोग हैं वो किस तरह से समाज में अपनी इज्जत बराबर रखेंगे, ऐसे उनका वकार बढ़ेगा। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत की, जिसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का बहुत ही बढ़िया रोल रहा है और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनकी वजह से आज हम लोग इस लायक हुए हैं कि आज 26 जनवरी पर्व के रूप में मना पा रहे हैं।
हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप संविधान के ऊपर चलिए, संविधान बचाइए और दूसरों को संविधान पर चलने की प्रेरणा दीजिए, जिससे आपका अधिकार सुरक्षित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब जी। जैसा कि हम लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग हैं, सारे के सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हमने